Good morning to all our students. It is your science period. I will teach lesson 8, rocks, minerals and soils. आज आपको लेसन 8 में पढ़ाने जा रहा हूँ. ध्यान से लेसन को सुनिएगा, ठीक. ध्यान से सुनिएगा उसको कि क्या पढ़ाया गया, ठीक. The earth surface is made up of rocks and soil. जो पृथ्वी की जो सतह है, यहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी है वो, उसकी जो सतह है वो चट्टानों और मिट्टी से बनी हुई है. सोयल और रॉक से बनी हुई है. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड मिनरल्स. जितनी भी चट्टाने हैं, सभी प्रकार की चट्टाने केमिकल कंपाउंड से निर्मित हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स. यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार की रॉक्स हैं, कई प्रकार की रॉक्स हैं, चट्टाने हैं. दे वेरी इन देयर साइजेस एंड शेप. वे अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग 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 आकार और अलग अलग आकार की हैं, ठीक. दे आर डिफरेंट कलर्स. उनके रंग भी अलग अलग हैं. सम रॉक्स स्टिक आउट टू मेक माउंटेन्स और हिल्स. कुछ चट्टाने तो ऐसी हैं जो पर्वत और चोटियां बनाती हैं. देयर आर माउंटेन्स अंडर द सी एंड ओशियंस आल्सो, ठीक. और कई सारे देयर आर माउंटेन्स अंडर द सी एंड ओशियंस. कई सारे माउंटेन्स जो है वो ओशियन महासागर के अंदर हैं. सम रॉक्स आर फाउंड अंडरग्राउंड. कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड पाई जाती हैं, मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर पाई जाती हैं. बहुत सारी रॉक्स ऐसी भी हैं, ठीक. वी यूज रॉक्स इन माइनिंग. इन रॉक्स का यूज अलग अलग प्रकार से किया जाता है. वी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग आउट ऑफ रॉक्स. इन्हीं चट्टानों से बिल्डिंगों का निर्माण होता है. रॉक्स सच एज मार्बल्स, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन आर यूज टू एज बिल्डिंग मटेरियल्स. जैसे चट्टानों से ही मार्बल बनता है, ग्रेनाइट बनता है, सैंडस्टोन बनता है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग बनाने के काम आता है. वी आल्सो यूज रॉक्स एज प्रीशियस स्टोन्स इन ज्वेलरी. और कई प्रकार के कीमती पत्थर भी हैं जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, जैसे डायमंड, रूबीज, सेफिर्स एंड इमरल्ड आर प्रीशियस स्टोन्स. ये जो स्टोन्स आपको बताए गए हैं, डायमंड, रूबी, सेफिर और इमरल्ड, ये कीमती पत्थर है जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं. मोस्ट मटेरियल क्या है, मोस्ट रॉक्स कंटेन मिनरल्स. कई सारी चट्टाने जो है वो मिनरल्स, उनके पास मिनरल्स होता है. रॉक्स है रफ सरफेस. चट्टानों का जो सरफेस होता है वो ऐसा होता है, खुरदुरा होता है. दे आर मेड ऑफ स्मॉल ग्रेन्स. दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड मिनरल्स. इन्हीं ग्रेन्स को क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं. सम रॉक्स आर मेड ऑफ जस्ट वन मिनरल सो ऑफ मैन. कई चट्टानों में केवल एक बार मिनरल होता है, कहीं कई बार पाया जाता है. सम ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स कंटेन मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन और कॉपर. दीज रॉक्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड द मेटल्स आर टेकन इन टू यूज. कई प्रकार के मेटल्स जो है चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर और तमाम प्रकार के जो ये मिनरल हैं, मटेरियल हैं, ये धरती पर पाए जाते हैं, ठीक. अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोयल. सोयल का फॉर्मेशन क्या है, देखिए. सोयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सोयल जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है. इट हैज बीन फॉर्म्ड विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रोकन रॉक. इन्हीं चट्टानों के टूटने से इस सोयल का निर्माण हुआ है. जब उस रॉक्स के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो सोयल में चेंज हो जाती है. लॉन्ग लॉन्ग एगो अवर अर्थ हैड ओनली रॉक्स. बहुत हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल रॉक्स थी. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक, मिलियन आवर्स बीत चुके हैं. द विंड, द फोर्स ऑफ वाटर एंड हीट ऑफ द सन एंड चेंजेस इन द वेदर स्टार्टेड टू ब्रेक दिस रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक्स. उन्हीं चट्टानों पर
पानी पड़ा के धार पड़े और सूर्य की गर्मी उनको मिली तो वे चट्टाने जो थी वो क्या हो गई, टूट गई। और टूट करके बहते बहते क्या हुआ, वो छोटे छोटे पीसेस में कई करोड़ों वर्ष तक वो ऐसे ही इधर उधर बढ़ती रही और वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई, उन्हीं को सोयल कहते हैं। सोयल प्रोफाइल, सोयल कंटेंट डिफरेंट लेयर लाइक टॉप सोयल, सब सोयल एंड बेड रॉक। सोयल की कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे टॉप सोयल होती है पहले, फिर सब सोयल होती है, फिर बेड रॉक। दीज अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड द सोयल प्रोफाइल ऑफ अ प्लेस। ठीक, इसी सोयल की लेयर्स को जब हम एक प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं एक प्रकार से, तो उसको हम सोयल प्रोफाइल कहते हैं। द टॉप सोयल विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल, टॉप सोयल क्या होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है। ठीक, इज डार्क कलर, डार्क कलर में होती है। द सब सोयल विच इज अंडर द टॉप सोयल, टॉप सोयल की ठीक नीचे वाली जो होती है वो सब सोयल कहलाती है और उसका लाइट कलर होता है। द बेडरॉक विच इज द बॉटम लेयर ऑफ द सोयल, ये सबसे निचली सतह है सोयल की। ठीक, ये सॉलिड रॉक होती है, समझ आ गया। अब इसके आगे आपको मैं कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब क्या करना है आपको, इसके आपको हार्ड वर्ड लिखते हैं जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है। ठीक, ध्यान से अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में डेट डालिए, क्लास रूम डालिए और लेसन डेट डालिए। रॉक्स, मिनरल्स एंड सोयल्स, ठीक, ब्लैक पेज बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे हार्ड। ठीक, ये केमिकल कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। ठीक, माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। डायमंड, DIAMONDS, डायमंड। शेफिल, SAPPHIRE, शेफिल। एमराल्ड, आपके हार्ड वर्ड है उसको आप पढ़ेंगे और बुक की हम पिक खींच करके भेज देंगे जिसको आप रीडिंग करेंगे। पूरा लेसन आपको पढ़ना है, पूरे लेसन की मैं पिक भेज दूंगा। ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।